हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के देवता माने जाते हैं और पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के दो चेहरों के बारे में बात कही जाती है। एक तरफ वो शांत सुखद और कोमल के रूप में दिखाई देते हैं तो वहीं एक तरफ जहां वो शेषनाग यानी कि सांपों के राजा पर एक आरामदायक आसन में बैठे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ उनका चेहरा कुछ अलग प्रतीत होता है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है, शांताकारम भुजग सैनम, मतलब भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर पहली बार हर किसी के मन में आता है कि सांप के राजा शेषनाग के ऊपर बैठे इतना शांत कैसे हो सकते हैं। और इसका तुरंत जवाब भी ये मिलता है कि वो भगवान हैं और उनके लिए ये सब संभव है। हम आपको बता दें कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ने लगता है तब भगवान विष्णु जी को अपने अलग अलग अवतार लेकर सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं और धरती पर फिर धर्म की स्थापना करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु जी के बहुत से अवतार हैं और आप लोगों ने इनके अवतारों के बारे में जरूर सुना, पढ़ा या फिर देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से ऐसे 10 अवतार हैं जिनको सबसे मुख्य माना गया है। आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से भगवान विष्णु जी के इन 10 अवतारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों के बारे में। पहला, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु जी का सबसे पहला मत्स्य अवतार था और भगवान विष्णु जी के इस अवतार को लेने के पीछे जो कथा है वो ये है कि एक बार एक राक्षस ने सभी वेदों को चुरा कर उसे समुद्र यानी कि सागर में छुपा दिया था और तब जाकर विष्णु जी ने मत्स्य का अवतार लिया था और उन सभी वेदों को समुद्र में से ढूंढकर निकाला भी था और दोबारा से उन सभी वेदों की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि अपने इस अवतार में विष्णु जी आधे नर और आधी मछली के रूप में नजर आते थे। दूसरा, कुर्म अवतार। भगवान विष्णु के द्वारा कुर्म का अवतार समुद्र मंथन के दौरान लिया गया था। भगवान विष्णु जी के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है और इस अवतार को धारण करने के पीछे की कहानी ये है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था और देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली गई थी। तब जाकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी। भगवान विष्णु जी ने एक बहुत ही विशाल कछुए का रूप धारण किया था और समुद्र में मंदराचल पर्वत के आधार बन गए। भगवान कुर्म की विशाल पीठ पर ही मंदरांचल पर्वत को तेज गति से घुमाया गया था यानी कि मंथन किया गया था और इस तरह से समुद्र मंथन संपन्न हुआ था। तीसरा, वराह अवतार। भगवान विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह अवतार था और इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने एक सुअर का रूप धारण किया था और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया था। तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतरित हुए थे और भगवान ने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी को खोज निकाला था और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर लेकर आए थे, जिसके बाद भगवान वराह ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध कर दिया था। चौथा, नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु जी का चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। भगवान विष्णु जी इस अवतार में इनका मस्तिष्क सिंह यानी कि शेर का और शरीर नर यानी कि इंसान का था। भगवान नरसिंह ने अपने सबसे बड़े भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए इस रूप को धारण किया था। आपको बता दें
कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसका अंत कोई भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से विष्णु जी ने इस अवतार को धारण किया था। पांचवा, वामन अवतार। आपको बता दें कि भगवान विष्णु जी का पांचवा अवतार वामन अवतार था। भगवान सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान विष्णु देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जिस अवतार को वामन अवतार के रूप में जाना जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि जब बलि महायज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग लिया। लेकिन राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए थे और उन्होंने बलि को दान करने से रोक दिया था। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में दे दिया। तब वामन ने विशाल रूप धारण करके 1 पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्गलोक और 3रे पग में कोई स्थान नहीं बचा। तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पैर रखने को कह दिया और जब बलि के सर पर भगवान ने अपना पैर रखा तो वो सुतलोक को पहुंच गया। भगवान बलि से प्रसन्न हुए और उसको सुतलोक का स्वामी बना दिया। छठा, परशुराम अवतार। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम का जन्म संसार को क्षत्रियों के अत्याचार से बचाने के लिए हुआ था। इन्होंने 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्त थे और इन्होंने शिव जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्राप्त की थी। परशुराम जी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु दिया था, यानी कि फावड़ा दिया था। बचपन में उनके माता पिता इन्हें राम कहते थे, लेकिन भोलेनाथ जी से परशु मिलने की वजह से परशुराम के नाम कह जाने लगे। सातवां, श्री राम अवतार। भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार राम जी थे। धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म लिया था। ये राजा दशरथ और रानी कौशल्या जी के पुत्र थे। इन्होंने अपने इस रूप में 14 साल का वनवास भी काटा था और ऐसा कहा जाता है कि नारद जी से स्त्री वियोग सहने का श्राप मिला था। इसी कारण से श्री राम जी अपनी पत्नी सीता से अलग हुए थे। आठवां, श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु जी का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार था। इन्होंने मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, लेकिन इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। इस अवतार में इन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था और इसके अत्याचारों से सबको मुक्त भी कराया था। इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी बहुत ही अहम भूमिका भी निभाई थी। 9वां, भगवान बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार भगवान बुद्ध थे। ये गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। शादी के बाद इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा था, तो एक दिन इन्होंने सब कुछ त्याग करके सत्य की तलाश में निकल पड़े। 10वां और आखिरी अवतार कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार है। पुराणों के मुताबिक देखा जाए तो भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नाम के स्थान पर विष्णु यशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर आएंगे, संसार में सभी पापियों का विनाश करेंगे और तब धर्म की फिर से स्थापना होगी, तब जाकर सतयुग का आरंभ होगा। तो दर्शकों,
हमने आपको बताया भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। ये भगवान विष्णु के वो 10 अवतार थे जो कि उनके अवतारों में से सबसे प्रमुख माने जाते हैं और उनकी महिमा के बारे में भी गुणगान किया जाता है।